सो हेलो फ्रेंड्स, जे आर सिम कैसे हैं आप सबके सब। आज आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कुछ पांच पॉइंट्स, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ध्यान से समझिएगा कैसे हमारे जो मई मंथ से नया मार्केटिंग प्लान जो हमारा आया है वो एग्जीक्यूट होने वाला है, उसके लिए हमें किस तरीके से ध्यान देना है, किन चीज़ों का हमें ध्यान देना है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एक शॉर्ट वीडियो होगा लेकिन चीज़ें से बड़ी काम की होगी। मैं समय कम से कम खर्च करने की कोशिश करूंगा और ज़्यादा बातें आपके साथ बोलने की कोशिश करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और अपनी जो टीम है उसके साथ जरूर इन चीज़ों को शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा। अगर आप बता सकते हैं डायरेक्टली, अगर आप बैठकर सात आठ लोग बैठकर अगर इस प्लान को एक साथ देख सकते हैं तो ये भी बेहतर रहेगा। देखिएगा, सबसे पहले हम जो जिक्र करेंगे आज वो होने वाला है कि आरसीएम के नए मार्केटिंग प्लान की शुरुआत हम कैसे करें, इस पर हम डिस्कस करेंगे। नए मार्केटिंग प्लान के मोटे मोटे फायदे क्या है वो हम देखेंगे, किस तरह के लीडर्स की तलाश करनी है वो हम देखेंगे, कौन से तीन ऐसे सवाल है जो किसी को भी आपके बिजनेस में आने पर मजबूर कर सकते हैं, और मई 2023 से खुद में आपको क्या बदलाव करने होंगे, ये चीजें हम देख रहे हैं। तो वन बाय वन देख रहे हैं। पहला पॉइंट है आरसीएम के नए मार्केटिंग प्लान की शुरुआत कैसे करें। तो नए मार्केटिंग प्लान की शुरुआत करने का जो चीज है ना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि नया मार्केटिंग प्लान आया है अभी, क्योंकि पहला मंथ है, अभी किसी के पास स्टेटमेंट भी नहीं आई है, कुछ किसी को कुछ अंदाजा भी नहीं है, बहुत सारी चीजें जो नई आई है, परचेजर्स क्लब है, कंसिस्टेंसी अवार्ड है, कंसिस्टेंसी जो ऑफर है वो है, उसके अलावा हमारे पास 1% 2% वाला हिसाब किताब है टर्नओवर का, तो कई नई नई चीजें आई हैं जो कि पूरा लगभग लगभग एक साल लगेगा पूरी चीज को कवर अप होने में, पूरा लगेगा एक साल पूरा पूरा, लेकिन पहले दूसरे महीने से चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। तो सबसे पहली बात है कि आपको अपनी टीम में एक माहौल बनाना होगा, एक तरह का कल्चर डेवलप करना होगा, किस तरह से कि नया जो मार्केट प्लान आया है उसको समझने पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा टीम को, उसके लिए जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक एक को जिम्मेदारी दे देंगे कि आप देख लेना, तो ऐसे में नहीं हो पाता। जरूरी है कि आप बैठकर 2 से 3 बार हफ्ते में कम से कम होम मीटिंग जरूर करें। आपसे आज से पहले शायद आप हफ्ते में एक बार होम मीटिंग करते होंगे। होम मीटिंग आपकी वंडर वर्ल्ड, क्विक या जो भी आपके नियरेस्ट होगा वहां पर भी हो सकती है, जहां भी आपको सुविधाजनक लगे, और ज्यादा ज्यादा झने बहुत जरूरी नहीं है, थोड़े थोड़े झने लेकर। हो सकता है कि आप एक हफ्ते को 2 हिस्सों में बांट ले, कि पहले जो 3 दिन है उसमें आप 10-15 लोगों को, फिर अगले 3 दिनों में फिर अगले 10-15 लोगों को रखें, क्योंकि हमारा इसमें जो मेन मोटिव है वो समझना रहेगा। होम मीटिंग में डिस्कशन होगा, एक एक सब जने कॉपी पेन लेके बैठेंगे, एक एक जना चीज को समझेगा। जब तक आपकी टीम में एक एक इंसान को ये चीज समझ में नहीं आती है, तब तक आप समझिए आपका काम पूरा नहीं हुआ। क्योंकि अपलाइन अगर आप हैं तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ क्योंकि अपलाइन का टैग लगने से नहीं होता, अपलाइन अपने को साबित करना होता है, और उसका कहने का मतलब यही होता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, ठीक है ना। जो भी लीडर्स होते हैं वो जिम्मेदारियां देते नहीं है, लेते हैं। तो इसीलिए हफ्ते में 2 से 3 बार होम मीटिंग करनी है जरूर, और वो होम मीटिंग पूरी तरह केंद्रित होगी नए प्लान पर, कि नए प्लान को सीखने पर पूरी तरीके से केंद्रित होगी, क्योंकि बाकी बातें हमें पता है। और दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा कोर लीडर्स तैयार करें। कोर लीडर तभी तैयार हो पाएंगे जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऐसे लीडर्स मौजूद होंगे जो कि प्लान को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और कोई प्लान समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले दिन किसी को कुछ नहीं आता, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी आप दिन लगाएं, अगर आप दिन लगाते रहते हैं तो कुछ ना कुछ आते रहेगा, और एक दिन आप देखेंगे कि आपको बहुत कुछ आ गया है, ठीक है। अगली बात है कि आधा ज्ञान संकट समान होता है। जब भी आप लोग ये देखें या कोई भी प्लान आप समझें, तो उसको सिर्फ एक तरफा ना सोचें, उसके बारे में क्वेश्चन पुट अप करें, और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग मिलकर बैठेंगे एक साथ। क्योंकि किसी के मन में कोई डाउट आएगा तो फिर एक दूसरे से उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि जो अपलाइन है उन्हीं को सब चीजों का जवाब पता होगा, हो सकता है जो डाउन में है वो भी कभी कभी अपलाइन को कुछ अच्छी चीजें बता सकते हैं, उनको कुछ चीज स्टक कर गई, उनको कुछ चीज समझ में आ गई, तो वो बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपने नए प्लान की शुरुआत करनी है, और कोशिश करें कि मई 15 तक, यानी 15 मई से पहले पहले, ज्यादा से ज्यादा इस मई के खत्म होने से पहले पहले, आप लोगों की टीम में ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोर लीडर्स तैयार हो गए होंगे जो कि नए प्लान को अच्छे से समझ और समझा पाते होंगे। दूसरी बात, नए प्लान के मोटे मोटे फायदे क्या हैं। देखिए, मैंने आपके साथ ये अलग से पहले ही शेयर कर रखे हैं, बस मैं आपको रिवाइज करवाने के लिए, रिविजन करवाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिख रखी हैं, बाकी इन चीजों को आपने एक एक वीडियो में मैंने अलग अलग से बता रखा है। आपको नहीं मिले हैं वो वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको पता होनी चाहिए एज अ लीडर, आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। देखिए, नए पुराने प्लान में मेन फर्क समझ लें, ये बहुत जरूरी है कि आपके पास पुराना प्लान जो होगा, अगर आप आरसीएम में ऑलरेडी, अगर आप कंसिस्टेंट है कुछ सालों से, तो आपको पुराना प्लान पता ही होगा। देखिए, कैलकुलेशन में मोर और लेस कोई फर्क है नहीं, वही कैलकुलेशन है, बस थोड़े बहुत स्लैब बदल गए हैं, और उस स्लैब बदलने के कारण ही ये परचेजर्स क्लब और कंसिस्टेंसी ऑफर जैसी चीजें आई है। परचेजर्स क्लब वही चीज है जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपको 50,000 पीवी जब आपका हो जाएगा तो आप परचेजर्स क्लब में शामिल हो जाएंगे, और एक महीने में मिनिमम
मैक्सिमम 5,000 PV ही करा जा सकता है, तो कोई भी इंसान 10 महीने के बाद ही परचेजर्स क्लब में शामिल हो सकता है। कम से कम 10 महीना तो हर किसी को लगेगा। अब ये मैंने डिटेल में बता रखा है परचेजर्स क्लब के क्या फायदे होते हैं। एक्स्ट्रा 10% आपको कैशबैक जो मिलता है वो यहीं से होता है, इसीलिए ये चीज मैं भी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। आप ये मत सोचना कि इतने हल्के में क्या बताया इन्होंने, समझ में नहीं आया। एक्चुअली मैं पहले बता चुका हूँ परचेजर्स क्लब, ठीक है ना, अभी मैं रिवाइज करवा रहा था। दूसरी, कंसिस्टेंसी ऑफर के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। कंसिस्टेंसी ऑफर को आपको याद होगा, जस्ट एक मैं हल्का सा रिकॉल कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी ऑफर में मैंने आपको बताया था कि जो भी आप सामान लेते हो, अब वो अलग अलग था कि हो सकता है किसी ने 100 से 1499 के बीच में लिया हो, किसी ने 1500 से लेकर मान लेते हैं 4999 के बीच में लिया हो, किसी ने 5000 से लेकर लिया हो 9999 के बीच में। ये आपको मैं एक रिवाइज करवा रहा हूँ। तो इस बीच में किसी ने भी अगर कितने भी पीवी का सामान लिया है, तो 6 महीने में आपने जितने का भी पीवी आपका बना है, अगर आपने मिनिमम हर महीने इतना सामान लिया है, तो उसका 12% जो होगा वो आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा उस डीपी प्राइस का। और अगर आपका इसके बीच में है तो आपको मिनिमम 1500, मतलब आपको 1500 डीपी प्राइस का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। और अगर इसके बीच में तो फिर आपको 5000 डीपी प्राइस का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अगर इसके ऊपर है तो फिर कैशबैक शुरू हो जाते हैं, फिर उसमें कैश मिलना स्टार्ट हो जाता है, फिर उसमें कैश मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये रिवाइज करवा रहा हूं मैं, या ताकि आपको एकदम से सारी चीजें याद आ जाए कि हाँ हाँ हमें समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने यहाँ पर मान लिया हर महीने अगर आप 1000 1000 PV आपका मेंटेन करते हो, ज्यादा नहीं करते, जबकि मेरा मानना है कि 1500 करना चाहिए, क्योंकि आपको परचेजर्स क्लब में भी अगर शामिल रहना है तो 1500 PV अगर हमारा रहे एज अ लीडर भी, और जनरली इतना लग भी जाता है सामान, तो वो बेटर रहेगा। लेकिन एक बारी के लिए मान लेता हूँ, चलिए मान लेते हैं कि जैसे 1500 PV आप मान लेते हैं, 1000 PV हमारा रहता है, 1000 PV हमारा हर मंथ रहता है, तो 6 महीने में कितना हो जाएगा वो 6000 PV ना, तो 6000 का 12% निकाल लेना, 720 हो जाएगा। तो 720 रुपये, ये 720 रुपये का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाएगा। ये इसमें, अब ये मत सोचना कि प्रोडक्ट फ्री क्यों दे रही कंपनीज के बदले पैसे देती, ये एक्स्ट्रा चीज है। ये फ्री में जो प्रोडक्ट मिला है लिटरली फ्री ही है, ये ऐसा नहीं कि कहीं से आपके रुपए उठा के उसके बदले आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट फ्री का ही मिल रहा है आपको, है ना। तो ये बातें मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस की है। और बाकी इंपॉर्टेंट बात जो इस पूरे सिनेरियो में है वो ये कि प्लान में कोई बुनियादी फर्क नहीं है, क्योंकि जैसे आप कैलकुलेशन पहले निकालते थे डिफरेंस के आधार पर वैसे ही निकलेगी। लेकिन असली गेम चेंजर्स में परचेजर्स क्लब है, क्योंकि इसके कारण 10% का जो डिफरेंस अभी नए प्लान में आया वो मेंटेन हो जाता है, ठीक है। किस तरह के लीडर्स की आपको तलाश करनी है? सबसे पहली बात है खुद से बेहतर की। आप कोशिश करें एक ऐसे लीडर को ढूंढने की। आप लेकिन उसमें एक बात और ध्यान रखिए। देखिए होता क्या है कि हम सोचते हैं कि यार हमारी टीम में अच्छे अच्छे लोग आ क्यों नहीं रहे। पंडित जी कहते थे, सतीश पंडित जी ने अपने कैसेट में कहा है एक बार, वो कहते हैं कि अच्छे अच्छे लीडर्स आपकी टीम में आते हैं, लेकिन आपकी कुपात्रता के कारण वो आपसे दूर चले जाते हैं। यानी कि लीडर्स तो आते हैं, लेकिन जब उन्हें वो माहौल नहीं मिल पाता है उस तरह का, तो फिर वो अलग हो जाते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि हर बीज में पेड़ बनने की क्षमता होती है, लेकिन अगर उसे जरूरी खाद वगैरह ना मिले तो वो बीज कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। तो इसमें बीज की कोई खास गलती नहीं है, गलती है उस बीज को लगाने वाले की और उस पर खाद देने और ना देने वाले की। बीज यहाँ पर कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर है, और जो लगाने वाला माली है वो कोई भी अप्लाई नहीं जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया हुआ है। तो अगर आप उनके साथ अच्छा फॉलोअप नहीं करते हैं, उनको स्टार्टअप नहीं करवाते हैं, तो अगले 7-8 दिनों के बाद वो निष्क्रिय हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे वो सिस्टम से हट जाएंगे, और आगे काम करना तो दूर, वो अपनी खुद की परचेजिंग भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें उसमें कोई फील ही नहीं आएगा, उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं होगी, उनका कोई विजन में क्लैरिटी नहीं होगी, तो इसलिए कुछ अच्छा काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए खुद से बेहतर को तलाश करने का यही तरीका है कि आपको पहले खुद को बेहतर होना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आपको देखकर लोग फॉलो करते हैं। आपके बोलने से लोग फॉलो नहीं करते, आपके देखने से लोग फॉलो करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, आपकी टीम में असर ये पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। जो आप नहीं बोलते हो उसका ज्यादा असर पड़ता है उसके मुकाबले जो आप बोलते हो, ठीक है। प्लान शो करने में झिझके नहीं है, आप जितने बार आप प्लान शो कर सकते हैं उतने बार कीजिए, और इस बार का जो प्लान है उसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि जो कैलकुलेशन पार्ट है उसे समझे। और कैलकुलेशन पार्ट बहुत टफ नहीं है, कैलकुलेशन पार्ट तो बेसिकली पहले जैसा ही है, बस आपको थोड़े ऑफर्स जो नए आए हैं इनके बारे में अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप सामने वाले को बता सकें अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई आपसे पूछना ही चाहता है अगर, तो ठीक है। जो आज सवाल पूछेंगे वो कल के बड़े लीडर है। कोई अगर आप किसी को समझा रहे हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, आप किसी को पहली बार आप समझाने गए हैं अपने रिलेटिव में या किसी के पास आप गए हैं, तो उस समय अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो आपको उसमें अंदर से खुश होना चाहिए, खुशी महसूस होनी चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो कल के बड़े लीडर बनते हैं। क्योंकि अगर आप सवाल पूछ रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इनको ये क्लैरिटी चाहते हैं, और जब इन्हें एक बार क्लैरिटी आ गई तो फिर ये रोके नहीं रुकते।
इसीलिए कोशिश करें कि आप जब भी किसी से मिलने जाएं अपने साथ अनुभवी अपनी अप्लायंस को या थर्ड पार्टी अप्रोच के जरिए जाएं, ताकि जो कि ज्यादा जानकारी भी रखते हो, ताकि वो सामने वाले को भी संतुष्ट कर सके, ठीक है ना। और ये ज्यादा जानकारी आती कैसे, प्रैक्टिस कर करके। अब वो देखते हैं अगली स्लाइड में। देखिए वो तीन सवाल कौन से हैं जो आपको किसी से भी सामने पूछने हैं जब आप किसी को भी प्लान दिखाएंगे नया वाला। तो देखिए सबसे पहले जाके आप एक काम मत करना कि सबसे पहले जाके प्लान मत शो करना। अब आप बोलोगे अभी तक तो आप कह रहे थे कि प्लान की प्रैक्टिस करो, प्लान सीख लो, तो जब प्लान ही शो नहीं करना तो फिर क्यों करी प्रैक्टिस। देखिए वो प्लान की प्रैक्टिस हमने इसलिए करी है क्योंकि वो एक तरह से हमारे पास हर तरह के वेपन्स, हर तरह के हथियार हमारे पास होने चाहिए। हो सकता है आप किसी इंटेलेक्चुअल, किसी बुद्धिजीवी से मिले और आप उन्हें प्लान बताने लग गए, आप उन्हें आरसीएम के बारे में बताने लग गए, उन्होंने आपसे सवाल कर लिया कि आप मुझे प्रॉपर प्लान बताओ, अगर आपने मुझे प्लान अच्छे से बता दिया और मुझे समझ में आ गया तो मैं बहुत अच्छा करूंगा। और अगर आपको प्लान की क्लैरिटी नहीं थी तो फिर अब एक बहुत अच्छा इंसान फिर आपकी कुपात्रता के कारण बाहर हो जाएगा। इसीलिए प्लान को इसलिए रखना है क्योंकि जरूरत के समय वो काम आए, जब जरूरत हो तब निकाले प्लान को, हर समय नहीं। शुरुआत में कोई भी, आज की डेट में कोई भी नॉर्मल इंसान है, कोई भी नॉर्मल कस्टमर है, उन्हें क्या चाहिए आज की डेट में, उन्हें चाहिए कि रुपए वो दे रहे हैं चीज के लिए, सामान लेने के लिए, लेकिन उसके बदले उन्हें चाहिए कि शुद्ध प्रोडक्ट मिले। यह हर किसी की जरूरत है आज, क्योंकि शुद्ध प्रोडक्ट नहीं होगा तो फिर हेल्थ पर उसका गलत असर पड़ता है और वहीं से कहीं ना कहीं फिर हेल्थ का असर पड़ने से फिर पैसे कहीं ना कहीं बैकडोर से बाहर चले जाते हैं। तो इसीलिए जरूरी क्या है कि लोग चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छा सामान मिले, मिलावटी सामान ना मिले, लेकिन लोगों के पास विकल्प मौजूद नहीं है। हर कोई अखबार न्यूज़पेपर में रोज पढ़ रहा है कि मिलावटी सामान पकड़ा जा रहा है, उसके बावजूद भी वो सामान लेने को मजबूर है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। बहुत अच्छा होगा कि अगर आप उन्हें एक विकल्प दें तो आप उनसे पहले सवाल पूछें, उन्हें पहले कुछ डेटा दिखाएं, कुछ फैक्ट्स दिखाएं, कुछ अखबारों की कटिंग दिखाएं, कोई ऐसे जो स्रोत हैं जहां से, जो कि विश्वसनीय स्रोत हैं, उनकी खबरें दिखाएं जो बता रही है कि किस तरह से हल्दी मिर्च मसाले, किस तरह से तेल, किस तरह से दाल आटा चावल मैं किस तरह से मिलावटें हो रही है, उस चीज को समझाएं। जब उन्हें वो चीज समझ में आएगी कि हाँ बात तो सही है, तो आप उन्हें एक विकल्प दे रहे हैं, साथ में आप उन्हें बता रहे हैं कि ये विकल्प है। अब आरसीएम का सामान मिलावटी क्यों नहीं है, उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। क्या आप अपने लिए एक मंच चाहते हैं, या आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो कि कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं ना जिन्होंने, जिनको पब्लिक स्पीकिंग का मन करता हो, जिनको ऐसा रहता हो कि यार मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद होता है, तो उन्हें एक माध्यम मिल जाएगा आरसीएम, ये नेटवर्क मार्केटिंग उन्हें एक माध्यम के तौर पर मिल जाएगा, वो दूसरों से मिलने का एक मौका उनको मिल जाएगा। कई लोग इसमें सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आते, लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी इसमें आते हैं। तो क्योंकि जब 2, 4, 5, 10 लोगों से आपको मिलने का मौका मिलता है, प्लेटफॉर्म में जाने का मौका मिलता है, आप मंच में स्टेज में संचालन करते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो कॉन्फिडेंस फिर कई क्षेत्रों में काम आता है। तो जरूरी नहीं है कि हर कोई पैसे के लिए आ रहा है, लोग एक अच्छे सामान के लिए आ रहे हैं कि हमें मिलावटी सामान से छुटकारा मिले, शुद्ध सामान मिले। लोग एक मंच के लिए आ रहे हैं, लोग चाहते हैं कि उनको एक रिकॉग्निशन मिले, उनको भी एक कुछ एक पहचान मिले, उस पहचान को पाने के लिए आ रहे हैं। महिलाओं के लिए भी एक अच्छा मौका है, सुनहरा अवसर है, शिक्षित अशिक्षित हर तरह के लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये अपने आप को सिद्ध करने का। इसी तरीके से क्या आप नेटवर्किंग की ताकत जानते हैं, ये आपका तीसरा सवाल हो सकता है। अब वो जानते हैं, उससे पहले जरूरी है कि आप नेटवर्किंग की ताकत जानते हो, क्योंकि उनका जवाब सीधे अगर ना आया तो फिर आपको समझाना पड़ेगा कि नेटवर्किंग की ताकत है क्या। इसलिए नेटवर्किंग की ताकत क्या है ये वैसे तो आपको पता होना चाहिए एज अ नेटवर्कर, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो किसी दिन सेपरेटली मैं इस पर वीडियो ले लूंगा, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि नेटवर्किंग एक बहुत बड़ी, आज की 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा, आप समझ सकते हैं कि एक शक्ति है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप डिस्कस करेंगे ना, मैं जल्दी जल्दी भी बता रहा हूँ लेकिन आप स्पीड भी थोड़ा कम कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा समय भी नहीं लगा सकते हम वीडियो में, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन चीजें मैं पूरी पूरी बता रहा हूँ अपनी तरफ से। अब जरूरी बात क्या है वो इम्पोर्टेंट, देखिए आप क्या है ना कि हम अक्सर कोशिश करते हैं कि दूसरों में परिवर्तन लाने की, हम कोशिश करते हैं कि हमारी डाउनलाइन अच्छा बिजनेस करे, या डाउनलाइन अच्छा क्यों नहीं कर रही, ये अच्छा क्यों नहीं कर रहे, दूसरों से अपेक्षाएं ज्यादा हो जाती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें खुद में भी बदलाव करने जरूरी है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप में बदलाव होंगे तो आपके बिना बोले भी आपकी टीम में उसका एक पॉजिटिव असर पड़ जाता है, आपकी टीम में आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपकी टीम वाले आपको देखकर वो अपना परफॉर्मेंस सुधारेंगे। तो जरूरी क्या है कि अपने खुद में बदलाव लाए। वैसे तो आप लोग सब मजे हुए नेटवर्कर्स हैं तो आप लोग सब बातें जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। वो ये कि नेटवर्किंग से संबंधित कोई बुक्स जरूर पढ़ें, नेटवर्किंग से संबंधित या कोई मोटिवेशनल या कुछ इस तरह की जो बुक्स होती है उसकी पढ़ने की हैबिट डालें। एक महीने में कम से कम 2 बुक तो आपकी खत्म हो ही जानी चाहिए, ऐसी अलग अलग बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, उनके नाम मैं आपको कभी बता सकता हूँ अगर आप पूछेंगे। तो इस तरह की बुक्स आप पढ़ें, उससे क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि जिस तरह की
हो सकता है प्रॉब्लम्स आपको नेटवर्किंग के दौरान फेस करने को मिल रही होंगी या जिस तरह की चुनौतियां आपको मिल रही होंगी वो क्या हैं, उनसे कैसे निपटा जा सकता है, या फिर बड़े बड़े लीडर्स जो आज बने हैं, बड़े बड़े अचीवर्स जो बने हैं, उन्होंने भी इस तरह की मुसीबतों का सामना करके वो आगे बढ़े, तो आपको आप उनसे एक रिलेट कर पाते हो अपने आप को, तो आपको लग पाता है कि यार सामने वाले के साथ भी हुआ था, मेरे साथ ही अकेले नहीं हो रहा है ऐसा, ये दुनिया में सबके साथ हुआ। हाँ, लेकिन जिसने उस मुसीबत से डर के जो रास्ते में छोड़ दिया जिसने उस चीज को, फिर वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आज जिनकी हम किताबें पढ़ रहे हैं ये वो वही लोग हैं जिनके साथ भी इस तरह की मुसीबतें आई थी, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ते गए। तो इस तरह से बुक्स वगैरह पढ़ने की थोड़ा सा आदत जरूर डालें, इससे आपको एक पॉजिटिविटी भी मिलती है। दूसरा, अपने आप को अपडेटेड रखें। अब एक अपने को सिर्फ एक सिस्टम तक, एक अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं या फिर आप आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ वहीं तक अपने आप को सीमित ना रखें। आपको पूरे मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पूरी बातें पता होनी चाहिए, आपको हर बातों के बारे में अच्छा एक नॉलेज होना चाहिए, तभी आप आगे की बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी हाल ही में मैं देख रहा था कि एक नेटवर्कर का मैं कुछ एक वीडियो देख रहा था, वो कुछ जानकारी दे रहे थे, मुझे अचानक से याद आई ये बात, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं नाम लेकर भी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी गलतियां कैसे होती हैं। वो कुछ जिक्र कर रहे थे और उसमें वो बोल रहे थे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया 1902 ईस्वी में। अब उनका इफेक्ट ही गलत है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920-21 का है, 20-21 के बाद का गांधी जी का असहयोग आंदोलन, ये इससे कोई लेना देना नहीं है आपका हिस्ट्री से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन चीजों को जबरदस्ती न डालें जो जिसमें हमें खुद ही भरोसा ना हो, मतलब इसकी जरूरत नहीं थी ये बोलने की वैसे तो कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया या ये सब बातें, लेकिन अगर गांधी जी ने चलिए असहयोग आंदोलन कर ही दिया तो फैक्ट को भी थोड़ा सही करके बोले, कहीं ऐसा ना हो कि वही चीज में आपकी गड़बड़ पैदा कर दे। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बताया आपको, है ना, जरूरी नहीं है यही बातें हों, कुछ भी हो सकती है, इसलिए जो भी कहें उसकी थोड़ा सा जांच कर लें, और आज के जमाने में जांच करना बहुत आसान है, गूगल वगैरह भी हमारे पास मौजूद रहता है। दूसरा, अपलाइन और डाउनलाइन के साथ आपका सहयोग करने की आपकी प्रगति होनी चाहिए, क्योंकि अपलाइन जो आपकी हैं उनसे आपको सीखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, डाउनलाइन को आपने सिखाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये नहीं है कि आप डाउनलाइन को हमेशा सिखाएंगे ही, बहुत मौके होते हैं जब हमें डाउनलाइन से सीखने का मौका मिलता है। हो सकता है आपकी टीम में कोई यंग जनरेशन की डाउनलाइंस आई हो, वो ऐसी हो जो कि टेक्निकल फील्ड में अच्छी हो, जिन्हें टेक्निकल का काफी नॉलेज हो, मोबाइल गैजेट वगैरह इंटरनेट इस चीज का चलाने का उन्हें अच्छा जानकारी हो, तो उनका आप सहयोग ले सकते हैं और उनको आप अपना अनुभव दे सकते हैं, तो इस तरीके से काम चलेगा और इस तरह से टीम वर्क करती है ना। तो ऐसा नहीं होता कि किसी एक अगर हम अपलाइन नाम दे दें या फिर कोई पहले जुड़ गया अगर किसी सिस्टम में आकर, तो वो हमेशा उसे हर चीज आती होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, किसी को भी कुछ चीज आ सकती है, बस हमें हमेशा अपने एंटीना को जारी रखना है ताकि हमें कहीं से भी ज्ञान मिल सके। निगेटिविटी से बचे और ना ही फैलाएं, निगेटिविटी नहीं फैलानी, कभी कोई क्रॉस लाइन है आपकी या कुछ इस तरह का है तो निगेटिव बातें नहीं करनी है, सबके सब एक ही फैमिली है। मैं तो कहता हूँ कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि हमारी क्रॉस लाइन, बात ये भी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी आज बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, ABCDEFGH, तो इन सब में भी एक तालमेल होना चाहिए। अगर जो भी कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रही हो, सारी कंपनियां ठीक है, तो हमें किसी दूसरी कंपनी के प्रति भी हेटरेट फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने कैपेबिलिटीज से, सबके अपने अपने अलग अलग प्लान है और किसी सबके अच्छे हैं अपने अपने नजरिए से, तो हमें उनके बारे में भी कुछ गलत कहने की कोई खास जैसी जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप किसी के बारे में निगेटिव कहते हो ना, तो बेसिकली उससे आपकी छवि बिगड़ती है, दूसरे पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरा, चेंज इज ओनली द कॉन्स्टेंट, परिवर्तन संसार का नियम है, ध्यान रखिए। जैसा एक परिवर्तन अभी हुआ है, इससे पहले जो 2010-11 में आरसीएम का प्लान बदला था, अभी फिर से आरसीएम का प्लान बदला, भविष्य में कुछ और प्लान बदलेगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलेगा, समय की जैसी जैसी मांग होगी उस हिसाब से काम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बिजनेस का रूल है डिमांड एंड सप्लाई का, तो जैसी मांग होगी वैसी पूर्ति करनी पड़ेगी, तो वही यहाँ पर होगा, इसलिए चेंज इज ओनली द कॉन्स्टेंट, इस बात को ध्यान रखें और उस चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप में भी चेंज करना जरूरी समझें। बड़ी सोच और लक्ष्य के साथ काम करें, यानी कि जितनी बड़ी आपकी सोच होगी और जितना बड़ा आपने लक्ष्य रखा होगा, उस हिसाब से ही ऑटोमेटिकली आपके काम होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरीके से काम करेगा। इसीलिए छोटी सोच ना रखें, नकारात्मक सोच ना रखें, ये ना सोचें कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, अगर आपको लगता है मेरे से होगा नहीं होगा तो छोड़ ही दें शिक्षा, लेकिन अगर आपने एक बार कदम बढ़ा दिया तो फिर पीछे मुड़कर ना देखें, अब आगे ही बढ़ते रहें, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ सीखा है। मैंने बताया कि जब आप नेटवर्किंग में आते हो तो आप सिर्फ एक ही चीज नहीं सीखते, सिर्फ आप पैसा कमाना ही नहीं सीख रहे, आप बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं, एक मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हो रहा होता है एक इंसान का, तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो मतलब इंटेंजिबल है, ऐसी चीजें जो कि मैं कहना चाहता हूँ कि दिखती नहीं है, लेकिन वो परिवर्तन आप में हो रहे हैं, वो आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन हो रहे होते हैं, तो उन्हें महसूस करें। तो यही बातें मैं आपके साथ कहना चाहता था। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस वीडियो को खत्म करने से पहले,
और देखता हूँ कि आपने आप सीखा क्या। आप मुझे बताएं कि इस गिलास में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे दो गिलास रखे हुए इसमें क्या दिखाई दे रहा है। प्लीज वीडियो को पॉज करें, अगर आपने अभी तक की सारी बातें सुनी है वीडियो को एक बार जरूर पॉज करें और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर सीधे जवाब दें। पहले पहले आगे मत सुनना जो मैं कहने वाला हूँ। अगर आप थोड़े से भी ईमानदार रहना चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कितने ईमानदार आप हैं, तो आपको क्या दिख रहा है इस गिलास में। ये दोनों एक ही गिलास है बेसिकली, देखने वाले दो अलग अलग लोग हैं। आपको क्या दिख रहा है इसमें मुझे आप ये बताएं। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दिया होगा आपको क्या दिख रहा है। तो हो सकता है आपने लिखा होगा कि ये एक आधा खाली गिलास है, आपने ऐसा लिखा होगा कि आधा खाली गिलास है, ये खाली है, आधा खाली गिलास है, ये आपने लिखा होगा, हो सकता है आपने लिखा होगा, ठीक है। या हो सकता है कि आपने लिखा हो कि ये गिलास आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ गिलास है। अब क्या किसी ने गलत बोला? दोनों ने ही सही बोला। क्या किसी ने सकारात्मक नकारात्मक बोला? ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है, खाली खाली को अगर कोई नकारात्मक बोलना चाहे तो हाँ, कोई बोल सकता है कि इन्होंने निगेटिव हिस्सा देखा, इन्होंने खालीपन देखा, भरापन नहीं देखा। कोई कह सकता है कि हाँ ये भरेपन पर ज्यादा भरोसा रखते हैं, पॉजिटिविटी पर। लेकिन तीसरा भी काम हो सकता है, वो ये है, वो गिलास ना तो आधा खाली था ना तो वो आधा भरा था, वो गिलास पूरा का पूरा भरा हुआ था, आधा हवा से भरा था आधा पानी से भरा था। बस यही बात आपको देखनी है। तो ऐसे वाले अपने को टेंडेंसी चाहिए, इस तरह की टेंडेंसी चाहिए हमें कि हमें चीजों को देखना आना चाहिए उस अंदाज में। किसी भी चीज में कुछ भी नेगेटिव नहीं होता, किसी भी चीज में कुछ भी नेगेटिव नहीं होता। अगर हम इस खाली को नेगेटिव मानते थे तो ये नेगेटिव नहीं था, ये भी कुछ था, और वो क्या था? वो हवा थी। तो हवा और पानी दोनों से भरा हुआ, अरे मैं कह सकता हूँ कि ये गिलास पूरा भरा हुआ है, ये गिलास पूरा भरा हुआ है। तो यही बात थी। तो अभी के लिए होपफुली आपको जितनी बातें मैंने आज आपको बताई है आपको समझ में भी आई होंगी, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक पूरा देखा तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका। और मैं समझ सकता हूँ ऐसा कि आप एक जरूर एक जुझारू और एक ईमानदार लीडर हैं, तभी आपने सारी बातों को सुना और आपने महसूस भी किया होगा। अपनी टीम तक इन बातों को जरूर फैलाएं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप उन्हें खुद बताएं, कोशिश करें कि इन सब बातों को इस वीडियो के माध्यम से ही आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि लोग अपनी सुविधा के अनुसार जिस समय उन्हें समय लगे वो देख सकें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जो भी वीडियोस आपको चाहिए हो नेक्स्ट टॉपिक पे वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय आरसीएम।